वेलकम टू दी अनदर व्लॉग ऑफ शिवम व्लॉग्स। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवम व्लॉग्स। दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ संबलपुर से बुरला की हाईवे में और मैं अभी जाने वाला हूँ हमारे संबलपुर में जो भी रहते होंगे सबका फेवरेट जगह डाइक। नॉट ओनली डाइक, हम लोग डाइक जाएंगे साथ साथ जस्ट में पढ़ने वाला जो साइंस पार्क है उसको भी एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो को। फ्रंट ऑफ साइंस पार्क संबलपुर और अंदर देखते हैं कि कैसा है क्या है। मतलब ये जो है एरिया है ये बच्चे लोग के घूमने के लिए, इवन बहुत सारे लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने भी यहाँ पे आते हैं। देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अंदर जाने के लिए पहले हम लोग को लेना पड़ेगा टिकट। ये टिकट काउंटर, दिस इज द टिकट। और पर पर्सन 10 रुपये है। अगर आपके आप 3 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग रहेंगे सबको ये टिकट लेना पड़ेगा। और टिकट दिखा के अभी जाना अंदर की ओर, चलते हैं देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग अब पहुंच गए अंदर की ओर और इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम साइंस पार्क। पीछे है बहुत बड़ा डायनासोर, चलते हैं डायनासोर की मुंह के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो है मोस्टली मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सब मोस्टली डायनासोर को लोग के मतलब बेस्ड है। ये है हमारे सामने आदि मानव। पहले हम ऐसे हुआ करते थे, फिर हम उस तरह हुए, फिर हम इस तरह हुए, उसके बाद हम एक प्रॉपर इंसान बन गए। और ये है हम लोग के शेर खान भाई। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे डायनासोर्स के ऊपर बेस्ड है ये पार्क। आपको क्या लगता है कि डायनासोर एक्चुअल में होते होंगे? मतलब जैसा साइंटिस्ट लोग गेस करते हैं 1000-2000 ईयर्स पहले, तो आपको क्या लगता है होंगे? दोस्तों एक्चुअल में जो साइंस पार्क है इसका एक्चुअली में नाम साइंस पार्क इसीलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सब कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड हैं। जैसे सब जैसे हम लोग बोलते हैं पेंडुलम, और ये है गाइस मेरे सामने, ये जो है टाइम मतलब मेजर करने के लिए होता है एक्चुअली में, काइंड ऑफ ये टाइमर। और गाइस ये जो मेरे सामने ये है कार, और ये है कार की स्टेयरिंग, और ये है उसका गियर। ये है गाइस बाबा जी का घंटा, और ये बहुत सारी चीजें हैं। ये है पीरियोडिक टेबल। अब भाई मेरे इतना साइन कॉस थीटा मेरे को बचपन से समझ नहीं आया, मेरे दिमाग में कभी नहीं घुसता है। जो भी साइंस वाले बंदे होंगे वो लोग देख ले होंगे तो भाई आप लोग समझ लेना, आप ही लोग बता देना कि एक्चुअली में क्या होता है। मुझे तो इसकी इतनी नीड नहीं, अपन तो कॉमर्स वाले बंदे हैं। और सामने मेरे है गिटार, तो जादू आएगा अभी। दोस्तों ये घूमने के लिए तो वैसे काफ़ी सही जगह है, बट अगर आप फैमिली मैन हैं और अपने बच्चों के साथ अपने फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि बच्चों लोग के लिए यहाँ पर खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पार्क आकर आप इंजॉयमेंट कर साइंस के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं डाइक की तरफ। We'll be right back.
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो रास्ता जाता है ये जाता है डाइक की तरफ। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं डाइक पे। डाइक इज द डाइक जो है संबलपुर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका जान है बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते हैं अपने फैमिली अपने दोस्तों, इवन बहुत सारे लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं। मैं अपने कॉलेज टाइम में अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, और मोस्टली लोग यहाँ पर शाम के टाइम में आते हैं क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम में व्यू काफी अच्छा होता है। कि आप लोगों को यहाँ का सीन बहुत अच्छा लगा होगा, और दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ वीडियो का एंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा यार। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। यार तेरा YouTube पर ऐसा ही फेमस है, मिलियन में गाना मेरा हिट है, लोग पेपर्स अपना बहुत सारा सिलेबस से छोड़ो ना। तुम शादी कब करोगी जरा बोलो ना, दो तीन साल बाद एडा कोनो कोता ही होलो ना। ऐसा बोलो ना अमर उड़े गए लोग, तुमको नहीं छोड़ेंगे बाबा काहे।